सो है गाइस, वेलकम बैक टू द थंडर वर्ल्ड। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसमें एक आदमी एक प्रेग्नेंट औरत को मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये आदमी उस औरत को पागलों की तरह प्यार करता है और यही सीन पूरी मूवी को समझाने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो पल्लवी को अपनी माँ कॉल करती है। दरअसल पल्लवी अमेरिका रहती है और उनके पेरेंट्स अमेरिका से इंडिया वापस आ जाते हैं, तो वो लोग दिल्ली में रहते हैं। तो पल्लवी की माँ हमेशा उसकी शादी के बारे में सोचती रहती है। कॉज पल्लवी इज 29 एंड स्टिल अनमैरिड, तो वो कॉल पर भी पल्लवी को यही समझा रही होती है। पल्लवी की माँ जादू टोना ज्योतिष वगैरह पर ज्यादा विश्वास करती है। पल्लवी अपनी सहेली केली को मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर पल्लवी की माँ उसको कॉल करती है और एक लड़के से मिलने के बारे में कहती है। तो पल्लवी उस लड़के को मिलने के लिए जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो लड़का आता नहीं है। पल्लवी वेट करती है, तभी वहाँ पे संदीप नाम का एक शख्स उसे मिलता है। दोनों बैठ के बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वो लड़का आता है जो पल्लवी से मिलने वाला होता है। पल्लवी संदीप नाम के शख्स के साथ चली जाती है, तभी वहाँ पे उनकी मॉम कॉल करती है और उस लड़के के बारे में पूछती है जिस लड़के से पल्लवी एक्चुअल में मिलने वाली थी। बट पल्लवी उस लड़के से मिलती नहीं है, तो उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। पल्लवी की मॉम उषा को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाई है। अगले दिन पल्लवी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि वो किसी संदीप नाम के लड़के से मिली थी और वो रिच हैंडसम और बहुत अच्छा लड़का है। ये बात सुनकर पल्लवी की माँ खुश हो जाती है। संदीप पल्लवी को एक्सपेंसिव इयररिंग्स गिफ्ट करता है, बट उसे पल्लवी सॉफ्टली मना कर देती है। संदीप पल्लवी को उसकी जॉब गिफ्ट करने के लिए कन्विंस करता है और वो पल्लवी को एक घर भी गिफ्ट करता है। यही बात जब पल्लवी अपनी माँ को बताती है, तो वो संदीप की डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ पूछती है, क्योंकि वो ज्योतिष वगैरह पर बिलीव करती है। ये सब सुन के पल्लवी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पल्लवी की माँ संदीप पर जासूस लगा देती है, क्योंकि उनको संदीप के बारे में सब कुछ जानना होता है। अगले दिन पल्लवी के पापा उसे कॉल करते हैं और पल्लवी की मॉम उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों करती इसके बारे में कहते हुए वो पल्लवी की मॉम की एक पौराणिक घटना के बारे में बताते हैं कि पल्लवी की माँ की शादी के कुछ महीनों के पहले एक लड़का था जो उनका हर जगह पीछा करता था। वो लड़का पल्लवी की माँ को बेइंतहा प्यार करता था, पर जब वो लड़का पल्लवी की माँ को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो इनकार कर देती है। तभी वो शख्स उन पर गुस्सा हो जाता है और उनको जोर से धक्का देता है, जिस वजह से उनको चोट लग जाती है। पर फिर भी हाथापाई में पल्लवी की माँ उस लड़के को ब्रिज से नीचे फेंक देती है और उस लड़के को तैरना नहीं आता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पल्लवी की माँ के साथ जो हुआ वो सब अपनी बेटी पल्लवी के साथ ना हो, इसलिए वो इतना ज्यादा सोचती है। बट फिर भी पल्लवी उसकी माँ को कह देती है कि डॉक्टर को दिखाओ। पल्लवी की माँ का मानना था कि संदीप कोई और नहीं, वो वही शख्स है जो उसका पीछा किया करता था और दूसरा जन्म लेकर वो वापस आया है। पल्लवी की माँ की संदीप से बात होती है, तो हड़बड़ाहट में दिल्ली से न्यू ऑरलियंस तक का सफर तय करती है और अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। तभी वो वहां पे संदीप से मिलती है और संदीप वही शख्स होता है जिसको पल्लवी की माँ ने कुछ सालों पहले मार दिया था। बट इसका पता पल्लवी को नहीं होता और उसकी माँ भी पल्लवी को नहीं बता सकती, क्योंकि संदीप उनको धमकी देता है। उसके बाद संदीप, पल्लवी और पल्लवी की माँ सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और उसके बाद पल्लवी की माँ उसको वो हियरिंग्स दिखाती है जो हियरिंग्स उसको उस शख्स ने दिए थे, और बिल्कुल वैसे हियरिंग्स पल्लवी को भी संदीप ने गिफ्ट किए थे। तो इस टॉपिक पे बात करते हुए संदीप की असलियत बाहर निकलने वाली होती है। तभी संदीप गुस्सा हो जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। वो साथ ही पल्लवी को भी मारने की कोशिश करता है, पर पल्लवी की माँ संदीप को बड़ी मुश्किल से मार देती है और वो अपनी और अपनी बेटी की दोनों की जान बचा लेती है। गाइस, कि आपने नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखी है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट कर देना, अगर नहीं देखी फिर भी कमेंट कर देना यार। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।